वेलकम टू आयशा कुकिंग वर्ल्ड। आयशा कुकिंग वर्ल्ड में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेड़ा बनाने की बिल्कुल नई रेसिपी। अब आटे से तो पेड़े आपने कई बार बनाए होंगे, क्या ब्रेड क्रम से पेड़े आपने बनाए हैं? अगर नहीं बनाई तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी बनाना। ये रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड, या घर में जो रखे ब्रेड होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, या ब्रेड के जो एजेस वगैरह रखे होते हैं वो भी आप ले लें। हम सैंडविच वगैरह बनाते हैं तो उसके एजेस निकाल देते हैं, तो वो एजेस भी इसमें काम आ जाते हैं, तो आप एजेस से भी इसको बना सकते हैं। मेरे पास कुछ ब्रेड एजेस रखे हैं, ये भी ले लेती हूँ मैं, और ये बन है तो बन के भी मैं छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ, और एक ग्राइंडिंग जार में मैंने इसको ऐड कर दिया है, और इसका मैं दरदरा पाउडर बना लेती हूँ। बन और एजीज को दरदरा ग्राइंड कर लेना है, और ये दरदरा सा बढ़िया पाउडर मैंने बना लिया है इसका। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये एक बाउल में इसको मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ। दोबारा भी इसी तरीके से हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे इसको और ग्राइंड कर लेंगे, और सारे ही ब्रेड को मैंने इस तरीके से पाउडर में बना लिया है। अब एक कढ़ाई ली है मैंने, और फ्लेम अभी मैंने लो रखी है, लो फ्लेम पर ही मैं ब्रेड को रोस्ट करूंगी। लो फ्लेम पर एक जैसा कलर आएगा, अगर हाई फ्लेम पर मैंने रोस्ट किया इसको तो जगह जगह से ये जल सकता है, तो बस लो फ्लेम पर ही हमें इसको रोस्ट कर लेना है। मान लीजिए कि हमें ये ब्रेड क्रम बनाना है, जब ये अच्छे से सिक जाएगा, बहुत अच्छा लाइट ब्राउन कलर इसका आ जाएगा, तब तक रोस्ट कर लेना है। घी तेल कुछ ऐड नहीं किया है मैंने, सिर्फ ड्राई रोस्ट मैं कर रही हूँ। बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है, कलर भी बहुत अच्छा आया है इसका। इस स्टेज पर मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, और ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल लेना है। जब तक ब्रेड ठंडा होगा तब तक हम एक छोटा सा प्रोसेस कर लेते हैं। एक पैन लिया है मैंने, और ये एक कप दूध लिया है, फुल फैट दूध लिया है मैंने। दूध ठंडा है तो पहले दूध को मैं बॉईल कर लेती हूँ। दूध के बॉईल होने पर चीनी भी ऐड कर लेनी है। और दूध बॉईल होने के बाद अब ये आधा कप चीनी ऐड कर रही हूँ मैं। आप मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से ही रखें। चीनी और दूध को हम जब तक पकाएंगे जब तक कि इसकी चाशनी टाइप की नहीं बन जाए, एक तार की जो चाशनी जैसी होती है वैसी मुझे इसको ही बनानी है, या जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती, कच्ची वाली जो चाशनी होती है ना वैसी मुझे इसको रखना है। ये प्रोसेस हम दूध को बिना पकाए भी कर सकते हैं, दूध में सिर्फ चीनी को मेल्ट करेंगे और ब्रेड क्रम के साथ इसको मिक्स कर लेंगे, लेकिन मैंने दूध को पकाया है। पकाने से क्या होगा, बिल्कुल कंडेंस्ड मिल्क वाला टेस्ट आएगा इसका। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क है तो डायरेक्ट आप उससे भी इसको बना सकते हैं। मैं बना रही हूँ मिल्क सिरप, ये कंडेंस्ड मिल्क तो नहीं है लेकिन आपको टेस्ट वही मिलेगा। ये आप देख रहे हैं ना मावा टाइप अलग हो रहा है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। ये मिल्क सिरप हमारा बिल्कुल बढ़िया कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब ये मिल्क सिरप को भी मैं रूम टेम्परेचर पर आने तक रख देती हूँ साइड पर। ब्रेड और मिल्क सिरप रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं, ठीक तरह से मिक्सिंग कर लेते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। क्योंकि हम साथ में मिक्स करके पका तो नहीं रहे हैं इसको, तो बस ऐसे बढ़िया से मिक्स करना है ताकि मिल्क सिरप में जो ये मावा टाइप का है ना ठीक तरह से मैश हो जाए। अभी ये मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही मिक्सचर है मेरे पास, तो इसमें से मुझे जितने की ज़रूरत है मैं इतना अलग निकाल लेती हूँ, और बाकी मैं रख दूँगी फ्रिज में इसको स्टोर करके, जब भी मुझे कुछ बनाना होगा तभी मैं इसको बनाऊँगी। ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, जितने की मुझे अब ज़रूरत है उतना ही मैं निकालूँगी ब्रेड पेड़ा बनाने के लिए। अब ये 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर भी ऐड कर देंगे। अगर आप इतने मिक्सचर के साथ बना रहे हैं तो 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करें। अगर आप जितना मिक्सचर मैंने तैयार किया था, रोस्ट किया था, पूरे मिक्सचर के साथ आप बना रहे हैं तो कम से कम आधा कप वजन से 50 ग्राम मिल्क पाउडर के साथ तैयार करें। जब हम मिल्क पाउडर ऐड करके ब्रेड पेड़ा बनाएंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, एकदम अमेजिंग टेस्ट आएगा। कुछ ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देने हैं, ये चॉप्ड हुए ड्राई फ्रूट हैं, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर दें। और ये बढ़िया सा मिक्सचर हमारा तैयार है। अब एक कैप ले लेना है हमें, किसी भी तरीके का कैप हो या जो भी शेप आपको देनी है वो शेप आप दे दें। मिक्सचर कैप के अंदर डालेंगे और टाइट हैंडली सेट करेंगे। अगर ठीक तरह से प्रेस नहीं करेंगे तो स्वीट ठीक तरह से सेट नहीं हो पाएगी। कोई भी शेप आप दे रहे हैं टाइट हाथ से ही सेट करें, बस लाइट हैंडली इसको डीमोल्ड कर लेना है। ये देखें कितनी अच्छी शेप के साथ ये स्वीट तैयार हुई है। और सारे ही मिक्सचर के साथ हमें इस तरीके से पेड़े तैयार कर लेने हैं। मैंने इस मिक्सचर से पेड़े वाली शेप देकर पेड़े बना लिए हैं। आप जो भी शेप देना चाहें वो शेप दे सकते हैं, बर्फी की शेप दे सकते हैं आप, रोल की शेप दे सकते हैं आप,
आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालकर इसके साथ लड्डू भी बना सकते हैं। अगर आप लड्डू बना रहे हैं तो थोड़े ड्राई फ्रूट इसके अंदर ज़्यादा डालें। मैंने बहुत थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं इसके अंदर। बस छोटी सी डिज़र्ट है ये। जब घर में कुछ मीठा नहीं हो और मीठा खाने का मन हो, तब आप बिल्कुल सस्ते में, बिल्कुल आसान तरीके से, घर के ही रखे कुछ सामान से ये स्वीट तैयार कर सकते हैं। मैंने मिक्सर के अंदर कुछ ही चॉप्ड हुए ड्राई फ्रूट ऐड किए थे, क्योंकि मैं ये पेड़े के ऊपर काजू लगा रही हूँ। आप काजू, बादाम, पिस्ता जो भी चाहें इसी तरीके से पेड़े के ऊपर लगा दें। इससे दिखने में भी अच्छा लगेगा और टेस्ट में भी अच्छा लगेगा। जिन लोगों को मीठा पसंद है उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।